अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सदर मजलिस के सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब के हुक्म पर यहाँ पर आया था। कल यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से करीबन 15 बंडियों को जहाँ पे वो लोग कारोबार सालों से कर रहे थे उनको हटाया गया था और तो पूरी तौर पे वहाँ पे डिवाइडर लगा दिए गए थे। सदर मजलिस साहब की सदर मजलिस के हुक्म पर आज मैं मेरे साथ कौसर मोहिद्दीन साहब, MLA कारवान, ज़ुल्फ़िकार अली साहब, MLA चार मीनार, हम सब जाकर आज सुबह में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मिले थे और उनके सामने हमने ये मुतालबा किया था कि हॉकर्स को उनकी जो हॉकर पॉलिसी है वो फॉलो होना चाहिए। बेशक शहर में अच्छे चौड़े रोड्स ट्रैफिक कंजेशन को हटाना बेहद ज़रूरी है और हम उसके साथ हैं, और जो भी हॉकर्स है जो सालों से एक जगह ठहर कर रोज़गार अपना करते हैं और अपने घर को चलाते हैं उनको पहले एक अल्टरनेट जगह देते हुए उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो वही बात पर आज ACP ट्रैफिक हमारे साथ यहाँ पर आए थे और एक अल्टरनेट जगह जो ट्रैफिक कंजेशन को हटाते हुए हिमायत नगर PS के सामने एक जगह उन्होंने दी गई, यहाँ पर ये बंडियाँ यहाँ पर ठहर सकते हैं और यहाँ पर जब वक्त हो नमाज का होता है तो अजीज़िया मस्जिद की वो पार्किंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहाँ पर एक जगह उनको अलॉट की गई और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों को अपने कारोबार की जगह से हटाया गया आज मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर वो कल से फिर एक थोड़ी दूर पर अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकते हैं और मुतमईनी से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। जब ये हटाया गया और इन गरीबों पे जब परेशानी आई तो इस वक्त कोई उनके दरमियान में नहीं होता है। ऐसे वक्त और हालात में जब कोई गरीब पे परेशानी आती है या रोज़गार पे कोई परेशानी आती है तो मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन के नुमाइंदे ही होते हैं जो रोड पर उतर कर ऑफिसरों कर जाकर उनकी नुमाइंदगी करते हैं और उनके रोज़गार के लिए लड़ते हैं। मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन रोज़गार के लिए लड़ते हुए रोज़गार दिलाने वाली जमात है, फेसबुक पर बैठकर AC के कमरों में बैठकर तनकीद करने वाली जमात नहीं है। हम हमेशा गरीबों के रोज़गार के लिए लड़ते थे, हैं और इंशाल्लाह आगे भी लड़ते रहेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन ने आज जो 14 घरों को जिनको रोज़गार से हटाया गया आज अच्छी एक कामयाब नुमाइंदगी में उन 14 गरीब घरों को फिर से उनके रोज़गार पे लगाने में कामयाब हुई। ये आज का एक हमें एक दिल की मुतमईनी है कि हमने गरीबों का हक उनको वापस दिलाया। उम्मीद ये भी है कि यहाँ पर जो लोगों को अपना रोज़गार लगाने का मौका मिला ये ट्रैफिक कंजेशन नहीं करेंगे, कोने से हट कर लगाएंगे, आने वाले ट्रैफिक को डिस्टर्ब होने नहीं देंगे और अपने कारोबार के साथ साथ शहर की ट्रैफिक में भी मदद करेंगे। शुक्रिया, अस्सलामुअलैकुम।